हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया शर्मा अपने चैनल हेल्थी बाइट्स पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं बिरयानी। वैसे तो बिरयानी नॉन वेज में ज़्यादा बनाई जाती है, लेकिन मैंने वेज बिरयानी बनाई है। वेज बिरयानी भी हमारी बहुत फेमस है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसे एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 गिलास चावल, ये मैंने आधा घंटे पहले भिगो के रखे हुए हैं। बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ सब्जियाँ, जो सब्जियाँ हमें पसंद हैं वो हम सभी इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें गोभी, गाजर, मटर, बीन्स और सोयाबीन बढ़िया ली हुई हैं। यहाँ पे मैंने ली हुई हैं 2 प्याज, 3 टमाटर, 4-5 पीस गार्लिक्स, अदरक, 2 हरी मिर्च। हमें इनका पेस्ट बनाना है। थोड़ी प्याज मैंने अलग से ली हुई है, इसे मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। इसे हम फ्राई करेंगे, इसे हम पूरा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। में डालेंगे हम नमक स्वाद के अनुसार, मिर्ची पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, लास्ट में हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। हमें थोड़ी देर सब्जियां पकानी हैं, मैं थोड़ा गैस सिम करके इसको ढक देती हूँ। ये हमारी सब्जियां कुक हो चुकी हैं अच्छे से। अब हम इस कढ़ाई के अंदर इसमें दम लगाएंगे। इसमें हमें सबसे पहले हम जो सब्जियां हमने पकाई हुई हैं सबसे पीछे हम पहले हम उसकी लेयर लगाएंगे। लेयर लगा ली है, इसके ऊपर हम डालेंगे क्रिस्पी करा हुआ प्याज। ये चावल मैंने 80% पकाए हुए हैं, इनको मैंने अच्छे से छान लिया है पानी से निकाल के। अब हम इसमें इसकी लेयर लगाएंगे। इसके ऊपर बारीक बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे। फिर दोबारा हमें इन्हीं सब्जियों की इसके ऊपर लेयर लगानी है।
हम दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए हमने इसके ऊपर इसका ढक्कन ढक दिया है। चारों तरफ हमें इसके आटे की एक लेयर लगाएंगे जिससे इसकी स्टीम बाहर ना निकले। मैंने इस कढ़ाई को चारों तरफ से आटे से पैक कर दिया है जिसकी स्टीम बाहर नहीं निकलेगी। करीब 10 मिनट तक हम इसे बिल्कुल सिम गैस पे पकाएंगे। बिरयानी रेडी हो चुकी है। यह बहुत अच्छी बनी है। इसकी जो भी सब्जियां हैं सब अलग अलग नज़र आ रही हैं। चावल भी बिल्कुल अलग अलग एक एक दिखाई दे रहा है। हमारी बिरयानी ऐसी होनी चाहिए।